हमेशा याद रखना होगा, चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो आपातकाल का विरोध रहा हो। मुख्यालय हटाया तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और शिक्षा अधिकरण मुख्यालय प्रयागराज में रहे, ऐसी मांग की जा रही है। नहीं तो सरकार अपनी उल्टी गिनती शुरू करे, प्रयागराज की अस्मिता गौरव से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और सरकार के गुरूर घमंड पर भारी पड़ेगा, ऐसा रचा ने कहा है। तो नए प्रस्ताव में मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है, तीनों शिक्षाओं के लिए नया अधिकरण बना है। तो प्रयागराज वालों को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शिक्षा अधिकरण का मुख्यालय अब लखनऊ होगा, तीनों शिक्षाओं के लिए एक नया अधिकरण बनाया गया है। नए प्रस्ताव में मुख्यालय लखनऊ होगा, प्रयागराज में केवल एक ब्रांच होगा। ऋचा सिंह छात्र नेता हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऋचा, यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं प्रयागराज वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो शिक्षा अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ शिफ्ट। क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ मांग करेंगी? जी देखिए, ये प्रयागराज वालों के साथ, इलाहाबाद वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जिसने सरकार के ऊपर भरोसा किया था। एक एक करके सारे मुख्यालयों को इलाहाबाद से शिफ्ट किए जाने की जो सरकार की जो कोशिशें हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और हम लोग सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी को क्यों इतनी नफरत है प्रयागराज वालों से? पहले आप प्रयागराज का नाम बदल देते हैं, जो कि इलाहाबाद हुआ करता था, अब आप एक एक करके सारे अधिकरणों को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा इलाहाबाद वालों के सामने, चाहे वो आजीविका का संकट हो और चाहे वो अपनी पहचान का संकट हो। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को याद रखना होगा कि परिवर्तन का बिगुल हमेशा प्रयागराज से फूंका गया है, चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जनतंत्र को नया जीवन देने के लिए आपातकाल का विरोध रहा हो। यदि शिक्षा प्राधिकरण का मुख्यालय प्रयागराज से हटाया गया तो सरकार अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। प्रयागराज की अस्मिता गौरव और गरिमा से खिलवाड़ सरकार के गुरु और घमंड पर न सिर्फ भारी पड़ेगा बल्कि उसको गर्त में मिलाकर छोड़ेगा। इलाहाबाद की जनता में बहुत नाराजगी है और इलाहाबाद की जनता योगी जी से ये सवाल करती है कि आखिर इलाहाबाद के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? बिल्कुल, कहाँ गए वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी जो अगस्त में बच्चों के मरने की बात किया करते थे? आज जब नाम बदला जा रहा है, आज जब प्राधिकरणों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो कहां अपना मुंह छुपा कर बैठे? बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा सिंह जी, हमारे साथ छात्र नेता जुड़ी हुई थी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है, आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या कुछ रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है, छात्र क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो शिक्षा का हब कहा जाता है और तीनों मुख्यालय प्रयागराज में थे। अब इसका अधिकरण का जो मुख्यालय है वो लखनऊ शिफ्ट किया जाने को लेकर यहाँ पर जो प्रयागराज वासी उनमें हलचल मचा हुआ है। और अगर छात्रों की बात किया जाए तो वो आंदोलन सड़कों पर उतर कर आंदोलन की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रयागराज वालियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र।